हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज 64वां जन्मदिन है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ता व नेता कुछ अलग अंदाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। महावीर दल मंदिर कुंजपुरा रोड में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया गया है। श्रेष्ठ दिवस के अवसर पर करनाल के लोगों ने, करनाल के व्यवसायी, करनाल के सामाजिक, करनाल के राजनीतिक, करनाल के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महारत, अपने लोहा मनवाने वाले ऐसे सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में प्रार्थना किया है। श्री रामचरित मानस का सुंदरकांड का पाठ करके भगवान के सामने आराधना किया है। इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। करनाल के लोगों ने भगवान श्री राम के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चाह है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में नैतिकता पॉलिटिक्स में प्रभावी हो, नैतिक राज्य की स्थापना, नैतिक पॉलिटिकल स्थापना हो सके, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं और उनके लिए हमारे करनाल के सभी लोगों ने भगवान श्री राम के चरण में प्रार्थना की है। मैं भी अपनी तरफ से प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हुए प्रभु से निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु को आत्मिक समर्पण करके अपनी बात रखना चाहता हूं कि प्रभु माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी नैतिक ताकत और शक्ति प्रदान करें जिसके कारण से हरियाणा दुनिया में अपना एक स्थान बना सके। मंगलकामना और शुभकामना बधाई। हमारे जो लोकप्रिय हैं, हम सबके हृदय में वास करने वाले, उनको आज शुभकामना के तौर पर हम दुआएं देते हैं कि इसी प्रकार हमारे हरियाणा की सेवा करते हुए, हमारे हरियाणा का नेतृत्व करते हुए, हमारे हरियाणा को आगे प्रगति के पथ पर लेते जाइए। आज यहाँ करनाल में एक सुंदरकांड के पाठ के आयोजन के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं और सभी निवासियों के द्वारा एक दुआ की गई कि जिस तरह से हमारा करनाल प्रगति कर रहा है, हमारा हरियाणा प्रगति करता है, उसी प्रकार हरियाणा उनके नेतृत्व में आगे प्रगति करता रहे। भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान उनकी लंबी आयु करे, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें। और विशेष खुशी हमारे लिए इस बात की है कि कल ही हमने स्मार्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लेकर अपने करनाल को नॉर्थ जोन में नंबर वन शहर को हासिल किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विषय में बड़े हमें दिशा निर्देश मिलते रहे कि किस तरह से करनाल को आगे बढ़ाया जाए। मैं सबको इस बात के लिए, करनाल वासियों के लिए को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने समय सहयोग दिया। सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ।